ठीक है, तभी हमारे साथ रिजवान साहब हैं और जो हालात हमारे हिंदुस्तान में अभी चल रहे हैं और ख़ासकर बेंगलोर में, उसी को प्रस्तुत बात करने के लिए हम रिजवान साहब के पास आए हैं। रिजवान साहब, मेन आपसे एक, मैं डिस्टेंस पे ही बात कर रहा हूँ ये बताने के लिए कि हमको डिस्टेंस कितना मेंटेन करना है। दूसरी बात ये है कि खासकर शिवाजीनगर टैंडी रोड में ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे यंगस्टर जो हैं एक साथ बाइक पे 3 या 4 बच्चे घूम रहे हैं, जो कि इस हालात में सही नहीं है। और लगता है कि अगर इसी तरह बात चलती रही तो ऐसा नहीं हो प्रशासन और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाए और टोटल लॉकडाउन कर दे, जिससे दुश्वारी बढ़ जाएगी। इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके ज़रिए लोगों से ये मैसेज देना चाहता हूँ, ख़ासतौर से नौजवानों के लिए, कि पूरी दुनिया इस वायरस से लड़ रही है। ये वायरस एक ख़तरनाक वायरस है जो कई लाख लोगों को पूरी दुनिया में अफेक्ट कर चुका है और कई हज़ार लोगों की मौत हो चुकी है। और आज तक इस वायरस को ख़त्म करने का कोई वैक्सीन, कोई दवा हम नहीं बना पाए हैं। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि इसकी कोई दवाई बनाई जाए जिससे कि ये वायरस ख़त्म हो, लेकिन आज तक उनके हाथ कोई भी ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि आप लोग आपके घर पर रहें, क्योंकि आप ज़िम्मेदार हैं आपके घर वालों के लिए, इस समाज के लिए, इस मुल्क के लिए। घर में रहना कोई शर्म की बात नहीं है। मैं भी घर पे हूं, मेरा काम मैं फ़ोन पे कर रहा हूं। आप भी घर पे रहिए, ये वायरस आपको ढूंढते हुए नहीं आएगा। अगर आप घर से निकलेंगे, आप इस वायरस को ढूंढते हुए जाएंगे और वो लेकर आपके घर वापस जाएंगे। और ये वायरस बहुत ख़तरनाक है, हमारे उम्र रसीदा लोगों के लिए और ख़तरनाक है। मैं व्हाट्सएप पे मत जाइए, व्हाट्सएप पे जितना इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है उसमें 90% झूठा होता है। उसमें कह रहे हैं कि नौजवानों को कुछ नहीं होगा। मैं आपको डाटा दे सकता हूं कि नौजवान भी इससे इतना ही मुतासिर हैं, इनको इतना ही अफेक्ट हुआ है जितना कि उम्र रसीदा लोगों को और बच्चों को हो रहा है। तो मेरी आपसे अपील है कि आप लोग आपके घर पर रहें, जब तक कि कोई ऐसा वक्त ना आ जाए कि आपके घर के बाहर, घर से बाहर निकलने के बजाय कोई काम हो ही नहीं सकता। लेकिन आप घर पे रहें, घर पे रहना कोई शर्म की बात नहीं है। हम ज़िम्मेदार शहरी हैं इस मुल्क का, इस समाज का और हमारे मोहल्लों का। आप वो वायरस लेके आपके घर जाएंगे, आपके घर वालों को पहुँचाएँगे, वो अपने पड़ोस में पहुँचाएँगे, कल पूरा मोहल्ला वायरस से मुतासिर हो सकता है, पूरा शहर हो सकता है, पूरा मुल्क हो सकता है। उतने हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है, उतने बेड्स नहीं हैं, उतने वेंटिलेटर्स नहीं हैं। आज हम इस वायरस को लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। और यह सिर्फ हुकूमत की ही ज़िम्मेदारी नहीं है, हम खुद भी ज़िम्मेदार हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि आप लोग सब घर पर रहें और हम इस वायरस को हराने में हम सब अपना एक एक कॉन्ट्रीब्यूशन, एक एक हिस्सा हम भी ले सकते हैं अपने घरों में रहते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान, थैंक यू सो मच। थैंक यू।